कह दिया ना कि एक जने बर्फ का सीढ़ी है, एक जने पानी है, तो पानी से बर्फ बनता है कि नहीं? आने वाला समय दोनों एक हो जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा बस। रोजगार वो बोले हैं 10 लाख देंगे, तो उनके ऊपर हम लोग को पूरा विश्वास है। खाली जात पात पर जनगणना करो, ये करो वो करो, उससे क्या हो मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है? जमीनी पर काम दिखाइए, उद्योग धंधा लगाइए। अगर भाग्य होगा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने के लिए बन भी सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त बुद्धा स्मृति पार्क के पास है, जहां पर तमाम लोग हैं। और आपको बता दें कि इन दिनों दो युवा नेता की जो चर्चा है काफी ज्यादा बिहार में हो रही है, इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दोनों एकजुट होकर बिहार को बदलने का काम करेंगे, तो आइए लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि दोनों एकजुट होकर बिहार को बदलने का काम करेंगे? हो सकता है, क्योंकि दोनों युवा नेता है। मिल सकता है, मिल सकते हैं, राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। चिराग मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, चिराग जी? हाँ, आने वाला समय जो है तो चिराग का रहेगा। कैसे चाचा? कैसे, उसका उसके पास जनता है, काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, जुआ है। तो युवा तो तेजस्वी जी भी है, वो अलग बात है, लेकिन चिराग एक अलग चीज है। अगर भाग होगा तो काहे नहीं बनेंगे? अगर भाग्य होगा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने के लिए बन भी सकते हैं। आप बनाइएगा तभी ना बनेंगे। काहे नहीं बनेगा, आप समर्थन दीजिएगा, वो समर्थन देंगे, काहे नहीं बनेंगे। अच्छा, कैसा युवा नेता है वो? अब युवा नेता है, नया नेता, नवयुवक है, समर्थन दीजिए पूरा, ताकि आने वाले भविष्य भी और भी नवयुवक उसी तरह से अच्छा विकास करे, ताकि वो भी बन सकता है आगे भी। जब चाचा भतीजा जो बात कर रहे हैं, कह दिया ना कि एक जने बर्फ का सीढ़ी है, एक जने पानी है, तो पानी से बर्फ बनता है कि नहीं? आने वाला समय दोनों एक हो जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा बस। क्या लग रहा है कि चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे या तेजस्वी जी को? तेजस्वी यादव। क्या? तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। क्यों? ऐसे ही अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। चिराग जी वो भी अच्छा है, नवयुवक है, तो दोनों को सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैं तेजस्वी को सपोर्ट करूंगा। तेजस्वी को? तेजस्वी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, तेजस्वी। रोजगार वो बोले हैं 10 लाख देंगे, तो उनके ऊपर हम लोग को पूरा विश्वास है। और आगे बोलेंगे तेजस्वी भैया को कि जल्दी से बिहार में जितना भी बेरोजगार लड़का है उसको रोजगार देने का काम करें दोनों। यानी कि लग रहा है कि दोनों मंत्री मिलकर बिहार को विकास करेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, जरूर करेंगे। तेजस्वी और चिराग पासवान दोनों आते हैं तो और अच्छा होगा, दोनों युवा है, दोनों अच्छा होगा बिहार के लिए। दोनों का जोड़ी तो कभी हो ही नहीं सकता है, कोई एक को आएगा, एक को आएगा, हो सकता है दोनों मिल के बदले बिहार। मिल के बिहार कुछ ही बदलेगा, वो लोग अपना बदलेगा कि बिहार का कुछ ही बदलेगा? अपना बदलेंगे, तब अपना कुर्सी पर देखेगा कि अपना धन दौलत बढ़ावेगा कि जनता का कुछ ही देखेगा? यानी जनता को कोई फायदा? जनता कोई फायदा नहीं, कोई बैठे कोई फायदा नहीं है। आज तक लगे को फायदा हुआ है? 30 साल से राज चल रहा है बिहार में, बोले लालू जी का, राबड़ी जी का, नीतीश कुमार के, किए को उद्योग धंधा बैठ गया है, कहाँ मजदूरों का प्लान रुक गया है? खाली जात पात पर जनगणना करो, ये करो वो करो, उससे क्या हो मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है? जमीनी पर काम दिखाइए, उद्योग धंधा लगाइए, तब ना यहाँ पर प्लान रुकेगा। आज बिहार से लोग जाता है बाहर कमाने के लिए, स्वार्थ में कभी किस पार्टी से गठबंधन करेगा, कभी किस पार्टी बनेगा, बोर्ड आदमी किसी को और को देगा, जाके लोग किसी और से मिल जाएगा, फायदा तो वो लोग अपना स्वार्थ देख रहा है। पब्लिक का तो बंदेवा मजदूर कर लिया है कि हम वोट दिए, हम जाके उसका गिरवी किसी कहीं और जाकर रख दिए। जो UPSC और BPSC का तैयारी करता है, उतना पढ़ने के बाद भी अगर कोई छोटा, जो 8वीं पास होने के बाद भी अगर वो किसी छोटे इंसान के, अब बड़े इंसान के लेवल में खड़े हुए, ये तो गलत बात है। यानी आप कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी नौवीं फेल है? नौवीं फेल का बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई बड़ा नेता है, अगर वो फिंगर देता है, अगर कोई UPSC और BPSC तैयार करके बैठा हुआ है, तो उसका मान्यता क्या हुआ? ठीक है, हम मान लिए चिराग पासवान को चुन लिए, हम कल को बोल दिए हम भी यादव हैं, बोले तेजस्वी यादव को कायम चुना, आखिर कमी क्या है? मतलब आखिर जातिवाद की बात, जातिवादी की बात हम नहीं करते, मेरा कोई वोट देने का मेरा एज नहीं है, लेकिन फिर भी अगला जो है वो इस चीज़ को बोलता है। एक्चुअली लीडरशिप क्वालिटी और जो UPSC की बात है वो दोनों डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं बट उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ठीक है, वो UPSC का तैयारी तो करते हैं, IAS IPS तो बनते हैं, लेकिन एक पूरे मतलब बिहार को चलाने के लिए जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत कम में होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 9th फेल होना है तेजस्वी यादव के लिए, मैं उनका फुल्ली सपोर्ट नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, ये हर जनता का अपना अपना राय हो सकता है। तेजस्वी यादव 9th फेल है बट उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी है,
वो हजारों लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा उनका जो भी स्पीच है वो एग्रेसिव है। यही है कि तेजस्वी यादव आए या फिर कोई युवा नेता आए, उन लोगों को नया पॉलिसी लाना चाहिए, अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको चेंज करना चाहिए ताकि किस तरीके से बिहार का डेवलप हो सके, ठीक है। तो नेता चुनने के लिए सबसे पहले जनता को ये देखना होगा कि कौन सी सरकार, कौन सा नेता हमारे लिए अच्छा बेस्ट पॉलिसी लेकर के आता है और जिससे कि बिहार का डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि आपको पता होगा कि नीतीश जी जो पॉलिसी लाए थे बिहार में शराबबंदी का, वो उनका काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, जिसके कारण से वो दो टर्म जीते भी, ठीक है। तो ये एक उनका मेजर पॉलिसी था जिसके कारण से नीतीश जी दो बार जीते। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार में कोई डेवलपमेंट के लिए, अब जनता उब गई है शराबबंदी को लेकर के वोट देते देते। तो अब चाहिए बिहार के विकास के लिए कुछ नई पॉलिसीज जो कि तेजस्वी यादव को लाना होगा। अगर तेजस्वी यादव इस चीज़ को लाने में फेल होते हैं तो वो वाकई में अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर वो कुछ नया पॉलिसीज लाते हैं तो वो बन सकते हैं। सबसे बड़ा इशू है बिहार में रोजगार, ठीक है। शराबबंदी का तो आप लोग जानते ही हैं कि ये कितना सफल है और कितना विफल है। तो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए रोजगार। अगर रोजगार होगा लोगों के पास, लोगों की आर्थिक तंगियां अगर दूर होंगी, युवाओं को अगर बाहर नहीं जाना पड़े, तो हो सकता है कि यहाँ के लोग खुशहाल रहेंगे और यहाँ बिहार का डेवलपमेंट होगा। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ और डेवलपमेंट तो नॉर्थ बिहार में ही हो सकता है, साउथ बिहार में जैसे कि बाढ़ वगैरह आ जाता है बहुत सारा, तो हो नहीं सकता है। तो बिहार में इंडस्ट्रीज़ वगैरह को लाना बहुत ही मुश्किल है। युवा नेता इन दोनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, तेजस्वी जी और चिराग पासवान जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात ऐसा है कि दोनों अच्छे हैं, दोनों युवा हैं, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग का अभी बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या है बेरोजगारी की, जो कि इनको बिहार के जो अभी उप सी एम बने हुए हैं, तो उनका कहा नाम था कि बिहार में रोजगार हम आएंगे तो देंगे। सभी लोग उनको इसी तरह मैंने लाया भी है और इस चीज़ को मानते भी हैं कि लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आदमी बिहार से बाहर पलायन हो रहा है तो उसका मुख्य रीज़न जो है, कारण है कि आदमी अपने पेट के लिए जा रहे हैं बाहर। यदि यहाँ कंपनी का खाना होता तो आदमी बाहर जाता नहीं। हम भी युवा हैं और जो भी हमारे भाई जो भी बात करके चले गए सभी युवा थे। तो सबसे बड़ा सरकार से मुद्दा हम लोग का यही है कि बिहार में कुछ अलग कुछ ना कीजिए, पहले नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कंपनी का खाना बैठाया जाए, ताकि जो बिहारी बाहर जा रहे हैं और बाहर में जाने के बाद अलग अलग उसको आदमी प्रताड़ना कर रहा है, कोई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, वो नहीं बोले। और घर में रोजगार होगा तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है, यही होना चाहिए। यानी रोजगार हर हालत में युवा को चाहिए, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा महत्ता जो है सबसे ज्यादा बेरोजगारी का है। तो देखिए, इस तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।